नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज समाधान दिवस का आयोजन सामुदायिक भवन नगरपालिका परिषद अहरोरा में किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं व पुरुष ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, जिसमें वृद्धा पेंशन, आवास, शौचालय, शिक्षा से संबंधित ज्यादा शिकायतें थी। इस मौके पर कई सरकारी जिलाधिकारी भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं विमल कुमार, जिलाधिकारी को। देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अब नगर पालिका क्षेत्र में जन सुनवाई कराने के लिए तथा लोगों को यहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आज यहां पर मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूं। माननीय विधायक जी भी मेरे साथ हैं और हमने जिला स्तरीय अधिकारी, जिनकी नॉर्मली नगरीय क्षेत्र में समस्याएँ रहती हैं, जैसे सप्लाई डिपार्टमेंट है या हमारा जो डूडा का ऑफिस है, आज मैं यहाँ पर बैठा और मुख्यतः जो मुझको समस्याएं बताई गई वो राशन कार्ड की समस्याएं बताई हैं, शौचालय जो बन रहे हैं उनके बारे में बताया गया और लोगों की बड़ी संख्या में आवास की मांग है। भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश शासन की यही मंशा है कि हमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घर में शौचालय बनाना है। इसके अतिरिक्त ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति आवासहीन है, जिसके पास आवास नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से हम आवास उपलब्ध कराएंगे। तो ये मुख्यतः समस्याएं थी और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आना बड़ा लाभकारी रहा। मिर्जापुर से वासिम खान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।